महंगी जो भी गाड़ी लेता है उसका मतलब यही होता है कि लोग देखें। लगा मुझे लगा ये 1.5 करोड़ की गाड़ी है और मैं लेने गया तो मैंने कंसीडर ही नहीं किया था इसको। बहुत तगड़ी है। ठीक है भैया हमारे साथ है। भैया की ये गाड़ी है BMW 220i स्पोर्ट मॉडल है। तो आज भैया से बात करेंगे, भैया ने गाड़ी कब परचेज की और क्या रीज़न था भाई इसको लेने का, और भी भाई ब्रांड की गाड़ी आती भाई। तो भैया आपका क्या नाम है और आपने ये वाली गाड़ी क्यों ली? मेरा नाम वीर सिंह है। मैं एक्चुअली यार मैं गाड़ी लेने ये गया नहीं था। मेरी इससे पहले हमारे पास जितनी भी गाड़ियाँ सभी SUV हैं, बी फॉर्च्यूनर, ऑडी एंड X7 है BMW की। हमने कभी सेडान की तरफ कंसिडर भी नहीं किया हम लोग का, क्योंकि काम ऐसा है और हम थोड़े से रूरल एरिया से आते हैं तो वहाँ पे रोड सड़कें भी अच्छी नहीं होती हैं। तो मैं लेने तो गया नहीं था, इसे लेने गया था क्यों, मेरे पे ऑप्शन एक्चुअली बजट मेरा 60 लाख के अराउंड था। तो लेने हम लोग कंसिडर कर रहे थे। ऑडी Q3 था ऑप्शन मेरे, GLA था और X7 था और वॉल्वो की X40 थी, XC40। इतने ऑप्शन थे, हम लोग लेने वही गए थे पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। BMW के शोरूम में बैठे हुए हैं, वहाँ पे एक जानने वाले थे, उन्होंने बोला कि सर आप वाई नॉट ट्राई सेडान गाड़ी, क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं, सेडान गाड़ी को आप देख ट्राई कर सकते हैं। मैंने कहा कि यार सेडान गाड़ी हमने कंसीडर कभी किया ही नहीं है और हमारे मतलब की है भी नहीं। तो ये गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई थी शोरूम में, मैंने कहा अगर ये दे दोगे उतने पैसे में तो ले लूँगा। मुझे लगा ये काफ़ी महंगी गाड़ी है और मेरे बजट के बाहर है तो मैं इसको देख भी नहीं रहा था। लुक गाड़ी का इतना खतरनाक है ना, दूर से अगर कोई भाई नहीं जानता है ना BMW के बारे में तो भाई अंदाजा तो 1 करोड़ बोल ही देगा यार। मैं पिछले 3 महीने से ही ड्राइव कर रहा हूँ और मुझे जो लुक्स 2-2 करोड़ वाली गाड़ियों से मिली हैं उससे ही मुझे खुद को, मैं जब एक्चुअली मैं ऑन भी करता हूँ, ऑडी Q3 ऑन किया है मैंने, X7 ऑन किया है, मैं इस गाड़ी को देख के पता नहीं लगा पाया कि ये इतनी महंगी गाड़ी है या कितनी सस्ती गाड़ी है, कुछ आइडिया नहीं लगा पाया। तो मैं जब नहीं लगा पाया, जिसके पास ऑलरेडी लग्जरी गाड़ी है तो जो नॉर्मल लोग कोई आइडिया नहीं लगा पाए। और ये गाड़ी चाहे जो कोई भी बोले, ये इतनी महंगी जो भी गाड़ी लेता है उसका मतलब यही होता है कि लोग देखें, भले वो लोग कहें नहीं हम तो सिक्योरिटी के लिए लेते हैं, नहीं हम सेफ्टी के लिए लेते हैं, नहीं हम फीचर्स के लिए लेते हैं, लेकिन फैक्ट बात यही है लोग दिखाने के लिए लेते हैं। सही बात है। तो अगर ये गाड़ी देखने में अच्छी लग रही है तो ले लो, मेरा यही। और ये मॉडल की बात करें तो भाई ये स्पोर्ट्स लिया है भाई ने और भाई पैडल पर रखो और उड़ा दो ऐसा मॉडल है भाई। ये कलर कौन सा है? ये स्नैपर रॉक कलर है भाई। नाम ही ऐसा है इंसान याद ही ना कर पाए। को ना एक बार इसके एग्जॉस्ट का भाई आवाज सुनाता हूँ, क्या तगड़ी आवाज है इसकी भाई। देखो इसमें 2 एग्जॉस्ट दिए जाते हैं भाई, एक राइट साइड और ये भाई अपना लेफ्ट साइड। आवाज सुनो भाई, बहुत तगड़ी है, बहुत ही तगड़ी आवाज है भाई, मजा आ जाता है। अंदर से देख लो भाई कितनी लग्जरी गाड़ी लगती है। वैसे लग्जरी तो है, BMW भाई नाम से ही बिकती है। भैया ने भी भाई नॉर्मल सी बात है यार, कोई आजकल सब लोग दिखाने के लिए करते हैं। अब किसी ने भी गाड़ी ली है भाई 50 लाख या 60 लाख कोई इंसान खर्च कर रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि सामने वाला यार एक नजर तो मारना चाहिए। और गाड़ी जब ऐसी हो भाई तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। अभी का इंसिडेंट है आपको, मतलब ये गाड़ी तो आपने बताया कि भाई मैंने इस वजह से ली कि भाई मैं गया BMW, तो आपको इसमें सबसे प्यारी फीचर्स क्या लगते हैं? और सबसे प्यारी फीचर्स इसकी ड्राइव एक्सपीरियंस है। मतलब अगर मैं, चूंकि मैं पहले भी बताया मैंने कि गाड़ियां हैं मेरे पास, फॉर्च्यूनर है, ये सब है गाड़ियां, मतलब अच्छी गाड़ियां जो 50-60 लाख रुपए की गाड़ियां होती हैं, पर जो ड्राइविंग प्लेजर BMW का है वो ना ऑडी में है ना मर्सिडीज में है। किसी भी गाड़ी में आप ड्राइविंग प्लेजर लेना है तो आप BMW लीजिए। अगर थोड़ा लग्जरी सेगमेंट में आप जा रहे हैं तो ड्राइविंग प्लेजर लें, क्योंकि ये सब गाड़ियां तो सबकी गाड़ियां मतलब रोड पे दिखती हैं, रोड प्रेजेंस अच्छा होता है, पर ड्राइव जब तक आप खुद कर रहे हो, अगर सॉफ्ट ड्रिवन है, ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, तब तो कोई बहुत इश्यू नहीं है। आप मर्सिडीज चल सकते हो, पीछे बैठ के चल सकते हो। पर्सनली इसमें पैडल सिस्टर्स जो हैं, ये सब जो मतलब प्रॉपर एक थ्रॉटल लो आप मारा, जो गाड़ी रेस बनाती है वो मजा आता है।
जैसे कि आपने बताया आप तो भाई फॉर्च्यूनर वगैरह चलाते हो, तो अगर जैसे सेडान है भाई इनमें ग्राउंड क्लियरेंस बेसिकली कम रहता है और इंडियन सड़कें आपको पता ही है कहीं भी गड्ढे टूटे फूटे रहती है तो वहाँ फील नहीं होता कि यार मैं ये वो तो बहुत खलता है उसमें तो बहुत खलता है कि ये उस उन मामलों में तो बहुत मतलब मैं इसको किसी भी इंसान को ऐसे नहीं कहूंगा कि ये गाड़ी ले क्योंकि इसकी फ्रंट व्हील ड्राइव है और आगे का जो क्लियरेंस है वो काफी कम है, अक्सर लड़ती रहती है ब्रेकर्स पे, आगे थोड़े है भी। और अगर इसमें भाई रियर व्हील ड्राइव होता ना तो ये गाड़ी ना तूफान मतलब कह सकते ना चलता फिरता रॉकेट बन जाता यार। कहने का मतलब प्रॉब्लम ये है कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं अपने सोसाइटी में इंटर करता हूँ तो मुझे ब्रेकर्स पे ध्यान रहे होते हैं, अगर मैं अकेले बैठा हूँ तो निकल जाती है, अगर चार लोग बैठे हुए हैं तो अगर वजन ज्यादा है तब मुझे मतलब मुश्किल से 5 या 7 की स्पीड में वो ब्रेकर्स पार करने होते सोचना पड़ता है कि कहीं भाई टच ना। बाकी गाड़ी की बात करें भाई चलता फिरता रॉकेट है तो भैया आपको जैसे कभी और भी गाड़ियां होती है जैसे लोग अगर देखते हैं कि भाई गाड़ी तो तगड़ी है तो आप भगाते हैं तो अभी का मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। एक बहुत बड़े नेता हैं यहाँ के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। अच्छा। उनका लड़का भी यहाँ से क्रॉस कर रहा है, हम लोग क्या चूंकि हम लोग उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो हमारी भी मुलाकात होती रहती है, वो मुझे नहीं पहचानता ना ही मैं उन्हें पहचानता था। मेरे फ्रेंड ने बताया कि उनका लड़का है, वो मुझसे 5 गुना मतलब 2-2.5 करोड़ की गाड़ी में जा रहा था और जितने देर वो गया उतनी देर मेरी गाड़ी को देख के गया। तो ये उन्होंने कहा कि भैया आपने पैसे जो लगाया है ना अच्छी जगह वसूल है, जब वो जब 2-2.5 करोड़ में बैठा हुआ आदमी आपकी गाड़ी को देख रहा है तो आपके पैसे वसूल हो रहे हैं। तो वो एक इंसिडेंट ऐसा है कि जो मुझे अभी याद रहेगा, वो आज ही का इंसिडेंट है, अभी का मतलब 1 घंटे पहले का। रेंज रोवर वगैरह कोई लिया? रेंज नहीं, डिफेंडर गाड़ी। डिफेंडर, डिफेंडर गाड़ी, जो गाड़ी नहीं घड़ियाल मानी जाती है। सपना भाई ड्रीम कार होती है सबकी अगर ऑफ रोडिंग का शौक है। अब हाँ ये मेन चीज, जैसे आप भाई नॉर्मल बंदे आजकल के सब सोचते हैं कि मैं जाऊंगा लद्दाख वद्दाख लेके गाड़ी, तो आप तो भूल ही जाओ इसको ले जाने। मैं लद्दाख तक नहीं, मैं नैनीताल तक गया हूँ और उससे आगे ले जाने का मैं कुछ सोच भी नहीं रहा हूँ। मेरे पास दूसरी गाड़ी है, मैं उसको लेके जाऊंगा। इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ शहर लखनऊ शहर दिल्ली तक मुझे ड्राइव करनी होती है चूंकि 4 लेन अभी ये रोड्स बहुत बढ़िया बन गए हैं। लखनऊ से होते हुए आप आगरा और दिल्ली चले जाए 5 घंटे में पहुंच जाएंगे, इतनी बढ़िया रोड होगी वहां पे। मुझे अब स्पीड नहीं बताऊंगा मैं कितनी चलाता हूँ पर मुझे बहुत मजा आता है। इसकी टॉप स्पीड आपने कितनी भगाई है? टॉप स्पीड हम लोगों ने एक ट्रैक पे चलाई थी वहां पे भगाया था मैंने 191। अच्छा। आपने लास्ट कितनी चली जाती है ये? लास्ट में मैं थोड़ा बहुत तेज गाड़ी चलाने वालों में से हूँ नहीं, मेरे फ्रेंड ने चलाई है, उसको पता नहीं 200 के ऊपर चलाई थी, फिर मैंने मना कर दिया यार उतनी ऊपर चलानी। फाइनल मीटर की बात करें 260 दिया हुआ है और नहीं 200 के ऊपर तो गई है। हाँ, मेरे फ्रेंड ने चलाई है, मैं 191 के आसपास चलाया हूँ, उसके बाद से मैंने खुद नीचे करी। एक्चुअली मुझे पता नहीं चला जब मैं एक्सप्रेसवे ट्रैक पे था तो 160 चला गया, तो फिर मैंने कहा यार अब इतना चला ही लिया है तो थोड़ा और देखता हूँ कितना चल सकता है। एक्चुअली इसमें 120 के बाद से बीप 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 करने लगती सब है। आने लगता। हाँ तो मैंने वो बंद किया नहीं है क्योंकि मैंने जानबूझ के रखा हुआ, मैं गाड़ियां नहीं बंद भी मत करिएगा थोड़ा। हाँ, वो कॉन्शियस रखता है आपको दिमाग में, आपको है कि स्पीड पे आप जा रहे हो थोड़ा सा कॉन्शियस रहो। तो आजकल अड़ास बड़ास आ रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि भाई मेरे को अड़ास बड़ास? मैं पर्सनली जितनी भी गाड़ियां मेरे पास है उनमें से सबसे ज्यादा फीचर इस्तेमाल करने वालों में से मेरा म्यूजिक सिस्टम है, सबसे ज्यादा फीचर इसमें पार्क असिस्ट है, रिवर्स असिस्ट है। रिवर्स असिस्ट का मतलब ये 100 मीटर तक मुझे ड्राइव नहीं करना होगा, ऑटोमेटिक ये गाड़ी पीछे चली जाएगी। इतने सारे फीचर से मैं खुद ड्राइव नहीं करता हूं। और इसमें जो क्रूज कंट्रोल, मैं पर्सनली ये सोचता हूं कि जो एडास वगैरह है वो सिर्फ आपके अगर गाड़ी में है भी तो भी आप उसको वैसे मत यूज करिए जैसे लोग YouTube वगैरह पे वीडियो बनाते हैं, जैसे वो बनाते हैं वैसे यूज ना करिए आप उसको। यूज कर लीजिए, मजे मजे के लिए यूज कर रहे हैं तो अलग बात है। मतलब मैं पर्सनली मैं BMW का बहुत पहले से फैन हूँ पर मैं अब जब बस कॉलेज लाइफ में था तो अफोर्ड नहीं कर सकता था। उससे पहले हम लोग के पिताजी पर पैसे होंगे भी तो भी नहीं बताते थे हैं मेरे पास है कि नहीं है वो सब के साथ। हाँ जब से मैं अपना क्योंकि मैं बचपन से ही कार का बहुत शौकीन रहा हूँ तो जैसे ही मैंने मेरी कमाई लगी मुझे कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ मैंने उसी दिन ले ली इस गाड़ी को। उससे पहले मैंने Q3 ली थी पर उसमें फैमिली हेल्प था। अभी ये तो मेरा सोल मैंने अपने पैसे से खरीदा है।
तो Q3 Audi और BMW में आपको क्या मतलब डिफरेंस है? Audi और BMW में सबसे बड़ी डिफरेंस ये है कि Audi की जो आफ्टर सेल्स सर्विस है वो बहुत अच्छी है Audi की, और BMW की आफ्टर सेल्स सर्विस मुझे थोड़ा सा वो लगता है क्योंकि ये 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, ये थोड़ा महंगा पड़ेगा। आप कॉस्टिंग की बात करें, वो मेरी तो डीजल गाड़ी थी और Audi Q3 ये पेट्रोल है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें तो डिफरेंस आएगा ही, इसमें कॉस्टिंग कम होनी ही है, डीजल गाड़ियों में कॉस्टिंग ज्यादा लगती है। पर वो जो 15,000 का जो मार्जिन मिलता था ना, गैप मिलता था आराम से सर्विस कराओ, वो अभी मेरी गाड़ी 10,000 चल चुकी है, अब मुझे सर्विस कब हुआ है। एक या तो ऐसा कुछ बनाए कि ये लोग 20,000 पे सर्विस ले लें, थोड़े पैसे ज्यादा ले लें, बार बार सर्विस स्टेशन न जाना पड़े। और यहाँ के BMW में बहुत भीड़ होती है, लखनऊ की एक ही BMW है तो भीड़ बहुत होती है। इसकी सर्विस आपको अभी तो आपने कराई नहीं है, पर एक्चुअली मैंने पैकेज ले लिया था। अच्छा। जब मैंने गाड़ी खरीदा तो मैंने वारंटी एक्सटेंड करा ली है इसकी 2+2 की, और सर्विस पैकेज ले लिया है, तो अब मुझे पता तो चलेगा नहीं कि कितना सर्विस होती है, पर उन्होंने मुझे बताया ऐसा है कि सर 25,000 से 30,000 रुपए के आसपास सर्विस कॉस्ट आएगी। और मैंने सर्विस, मुझे पैकेज जो मिला था वो पड़ा था मुझे 88,000 में कंप्लीट, मतलब कुछ भी इसमें रियर एंड टीयर भी, वाइपर और ब्रेक शूज, ये ब्रेक पैड, ये सब भी उसमें है। अच्छा, उनकी 88,000 में 4 इयर्स के लिए। अब हो गई आपकी सर्विस की सारी बात होगी, अब बात कर लेते हैं इसमें आपको कमियां क्या क्या लगती है। कमियां इसमें सबसे ज्यादा बड़ी कमी तो मुझे इसकी वो लगती है ग्राउंड क्लियरेंस की, क्योंकि हम लोगों की जरूरत पड़ती है। दूसरा इसकी कमी लगती है मुझे कभी कभी ये लगता है कि काश ये रियर व्हील ड्राइव होती। हालांकि मुझे, मैं पर्सनली बहुत रेस गाड़ी चलाता नहीं या तेज नहीं चलाता हूँ, पर ये कभी कभी रोड अगर थोड़ी खराब हो ना, फ्रंट व्हील ड्राइव फील होता है हैंडल पे, उस साइड भागती है। हाँ, मतलब भागती किसी साइड नहीं है, पर फील होता है कि ये गाड़ी अभी उतनी कंट्रोल में नहीं है, फील होती है। स्कीड होती होगी, स्कीड होती है, हल्की हल्की स्कीड होती है। तीसरी इसमें कमी लगती है इसकी जो रियर सीट है, उसके हाइट पे, अगर मेरे बराबर की बंदे की हाइट है 6 फीट या 6 फीट से ज्यादा हाइट है, तो कभी ना कभी वो फील होता है कि ये थोड़ी सी कम होती है। क्या हाइट है भैया आपकी? मेरी है 5'9" 5'9" लगभग 6 ही मान लो। और भैया का देखो सर एकदम, अगर ये 3-4 इंच और लंबे होते हैं तो हाँ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये थोड़ा प्रॉब्लम है। के बारे में बात की जाए तो इसमें जो आजकल गाड़ियों में सबसे बड़ी कमी मुझे ये लगती है कि जो इसके स्टेपनी दी जाती है, जो रिजर्व टायर दी जाती है, वो ये डोनट क्यों दिए जाते हैं? अभी मेरी आज ही की गाड़ी खराब हुई थी, रास्ते में पंचर हो गई थी, मैंने सोचा रिप्लेस कर लूं खुद से, पर मैं डोनट की, अगर डोनट नहीं होता तो मैं रिप्लेस कर लेता। और डोनट में ये भी चिक्कर है कि आप 80 से ऊपर नहीं चला सकते हो, ये पंगा, ये सबसे भैया। तो आप मुझसे पैसे ले लो यार, आप जब जो बंदा 50-60 लाख रुपए खर्च कर रहा है, 10-20 हजार और नहीं खर्च कर सकता है। सही सही बात है, पैसे ले, वो साले पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैंने तो कंपनी वालों को बोला है मुझे एक और टायर दे दो, मैं अपने डिग्गी में रखा करूंगा। मैं कहीं ट्रेवल कर रहे हैं हम लोग की, चूंकि लॉन्ग जर्नी होती है, अगर टायर खराब हो गया तो फिर तो मैं डोनट एज अ सेंस क्या मतलब? डोनट मतलब ये जो एक्चुअल साइज होता है उससे पतली टायर होती है। अच्छा, उससे पतली टायर होती है, एलॉय रहता है उसमें, उससे एलॉय नहीं रहा, स्टील टायर रहती है, एलॉय नहीं होता, स्टील टायर होती है और उससे पतली होती है। अगर सपोज मेरा ये 225/45 टायर है तो वो रहेगा 175/95 R15 या R16। इंच में भी कम रहता है, विड्थ में भी कम रहता है। मेन उसका विड्थ में ही कम होता है, और उससे क्या होता है, आपकी गाड़ी जो है, तीन पहिए तो चौड़े टायर पे होते हैं, एक पहिया पतले टायर पे होता है, तो आप स्पीड ज्यादा नहीं कर सकते, रोल ओवर खत्म हो जाता है उसका, तो स्पीड से आप चला नहीं सकते, इमरजेंसी यूज के लिए है वो बेसिकली। और इसके टायर मेरे हैंकूक के टायर लगे हुए हैं। सबसे बड़ी कमी इसमें यह है कि हैंकूक के टायर इतने घटिया टायर हैं कि मेरे 2 टायर बदला चुके हैं अभी तक। हालांकि 10,000 पे 2 टायर, 2 टायर बदल चुके हैं, और हालांकि BMW वाले के सिक्योर में है तो फ्री में टायर बदल जाए। फ्री क्या, वो नॉमिनल चार्जेस लेते हैं, 1500-2000 रुपए लेते हैं, और वो टायर रिप्लेस कर देते हैं, सीधा रिप्लेस कर देते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम पंचर भी होगी तो रिप्लेस कर देंगे। भैया ने बताया था कि भाई इसमें एक डोनट। अब इस टायर का साइज की बात करें, 225 हाँ 225/45 R17 है, ठीक है। अब डोनट को देख लो, भैया ने काफी अच्छा नाम दिया है उसको डोनट। इसका साइज देखना पड़ेगा, एक मिनट घुमाना पड़ेगा। हाँ, ये रहा 125/70 R17। लो भाई कितना डिफरेंस है, और देखो इसकी विड्थ देखो, ये लग रहा है बाइक का टायर नहीं होता इतना, इतनी चौड़ी टायर है इसका। मैं इसका एक वो दिखाता हूँ कि ये देखिए इतनी चौड़ी टायर है ये, और मैं उसके सामने ये हाथ ले जाता हूँ, ये देखिए इसके आधे में ये टायर है। बताओ
50-60 lakh की गाड़ी है, इतना तो कर दो यार, कम से कम टायर दिखाने में इंसान को शर्म ना आए। अब इसको देखो यार, बंदा मान लो लगा भी दे, चेंज भी कर दे, 3 अलग लगेंगे, 1 अलग लगेगा, क्या मतलब है यार? थोड़ा ये चीज सोचना चाहिए भाई BMW को। सनरूफ खोलिए कितना भाई, देख इसका, हाँ, इसका एक मेन फीचर ये है कि इसमें पैनारोमिक सनरूफ दिया है, और सेडान गाड़ियों में जनरली देखा नहीं जाता है पैनारोमिक सनरूफ। ये प्रॉपर पूरा खुलेगा और ये आधे पार्ट में खुलता है। अच्छा, ये आधा खुलता है? नहीं नहीं, नहीं, अच्छा, पूरा खुलेगा ये, एक एक बार दबाने नहीं, 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 वो एक ही बार में दबेगा। समझ गया। अब ये सनरूफ खुलेगा, ये दो पार्ट, इसको भी दो बार में खुलेगा, एक बार खुल गया और ये थोड़ा सा पीछे जाएगा, अभी ये इतना मैक्सिमम इसका खुलेगा। पर ये सनरूफ तो मैं यूज नहीं करता हूँ, ना कोई मैं रिकमेंड करता हूँ कि कोई खोले। वो पत्थर है जो, ये देखिए मेरे ग्लास पे यहाँ पे एक लगी हुई है पत्थर। ये किस चीज का है? ये पत्थर उड़ के लगी हुई थी कहीं से। अगर ये पत्थर सोचिए किसी के सर पे लग जाए तो सर खुल जाएगा सनरूफ वाले। सनरूफ मैं किसी को भी नहीं कहता हूँ कि आप सनरूफ खोल के ऊपर रहो, गलती से एक पत्थर लग जाएगा ना, आपका सनरूफ का पैसा नुकसान हो जाएगा। आप ये मजे लीजिए, आप स्काइज देखिए, आप बच्चों को गाड़ी पार्क रहे तो बाहर निकाल दीजिए, आप पहाड़ों पे जाइए तो एंजॉय कर लीजिए, लेकिन आप जनरली रोडों पे, हाईवेज पे मत खुलिए। ठीक है, सारे फीचर्स की बात हो गई भैया ने बताया, बाकी एवरेज इसकी मैं बता देता हूँ। एवरेज ये लगभग मुझे सिटी में आराम से 12-14 की एवरेज दे देता है, 14 तक तो दे देता है। हाईवेज पे बहुत अच्छा एवरेज निकालता है, हाईवेज पे मैंने 18-20 तक एवरेज निकाली है इसकी। और मैं बहुत तेज नहीं चलाता हूँ, मैंने कई बार बोला है कि मैं तेज ड्राइव भी नहीं करता हूँ, तो 18-20 की दे देती है। नॉर्मल अगर तेज ड्राइव करूंगा 17 के अराउंड दे देती है, ऐसा कर। काफी अच्छा एवरेज है, मैंने तो सोचा था भाई 8-10 का दे रही होगी। नहीं, मतलब मैंने भी जब लिया था ना तो मैंने भी यही सोचा था, स्पोर्ट्स गाड़ी है थोड़ी कम एवरेज देगी, पर जब एवरेज देने लगी तो मैंने कहा यार पेट्रोल गाड़ी हो के भी अगर 18-20 की एवरेज दे रही है तो बहुत बढ़िया है यार, ये तो बहुत अच्छी चीज है। ये कंपनी तो 15 का क्लेम कर रही है, 14 या 15 का क्लेम करती है कंपनी, 14 तो ये मुझे शहर में दे रही है। और शहर मतलब आप लखनऊ शहर जानती हो, क्राउडेड हो गया इतना। चलिए ठीक है, काफी प्यारी गाड़ी है। ओवरऑल आप इस गाड़ी को क्या रेट करेंगे? अगर ओवरऑल, अगर मतलब अगर आदमी लेने के पहले इसने मान लिया है कि ग्राउंड क्लियरेंस से मतलब नहीं है, तो इस गाड़ी को मैं 9 रेट करूंगा। अगर ग्राउंड क्लियरेंस और सेडान का पंगा ना हो, तो अगर ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह का थोड़ी बीमारी हो तो फिर 7 के अराउंड रेट करेंगे। देखो, जो ग्राउंड क्लियरेंस सोचेगा ना वो सेडान की तरफ जाएगा। एग्जैक्टली, यही मैंने बोला कि अगर आप उस चीजों को हटा दो तो एक नंबर जो मैं इसका काट रहा हूँ वो सबसे बड़ी जरूरत चीजें उसकी फंसी है, जो मुझे सबसे बड़ा पंगा लगा है इस गाड़ी के साथ, इसका जो ये टायर मुझे एक्सपीरियंस हुआ है और जो इसका ये एक्सपीरियंस हुआ है, ये सबसे मुझे पंगा लगा है इसके साथ। इसका जो थोड़ा सा फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ स्किड वाला सिस्टम है वो एक नंबर उसके कट रहे हैं, और जो टायर इसके चेंज हुए हैं 2-3 बार, क्योंकि इन्होंने बहुत पतला टायर दे दिया है जिसके लो प्रोफाइल टायर कहते हैं। इतना लो प्रोफाइल इंडियन रोड्स के लिए देना नहीं चाहिए। डोनट जैसा आपने बोला, हाँ, वो बेकार तो डोनट भी दे दिया, वो यही एक नंबर कटने वाली चीज है। और म्यूजिक सिस्टम भी इसका मैंने फील किया है कि मेरी जो ऑडी थी उसके मुकाबले इसका म्यूजिक सिस्टम थोड़ा सा वीक है। ये कौन सा यूज करते हैं? ये इनका खुद का है। अच्छा। BMW ने खुद का स्पीकर्स लगाया। अच्छा। क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव होने के बाद भी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल इन्होंने लॉन्गिट्यूडनल इंजन प्लेस किया हुआ है। पहली ये गाड़ी आई है फ्रंट व्हील में, क्योंकि मिनी कूपर और BMW एक ही गाड़ी है, सेम इंजन बनाते हैं। ये मिनी कूपर की भी इंजन यही बनाती है, BMW ही बनाती है। पहली इंजन ऐसी आई है जो प्लेस किया गया है इस तरह से, ना हो कि इस तरह प्लेस किया गया, पहली गाड़ी आई है। सेफ्टी के मामले तो इसको सोचना ही नहीं है। सेफ्टी के मामले में 5-star रेटेड है। मैं इसका एक थर्ड दिखा देता हूँ, मेरे पास ऑडी भी है, फॉर्चुनर भी है, पर जो ये थर्ड ये दे रहा है, ये थर्ड किसी गाड़ी हिल जाती है भाई, पूरी गाड़ी हिल जाती है, इतना तगड़ा थर्ड है इसका। बिल्ड क्वालिटी के मामले में कोई इशू ही नहीं है, सेफ्टी के मामले में कोई इशू नहीं है, परफॉर्मेंस इसका बेस्ट है। बाकी अगर आप सेडान गाड़ी लेने जा रहे हैं और आपका बजट है तो आप 3 सीरीज ना लेके इसको लीजिए, आपके पैसे भी बच जाएंगे और पूरा मजा मिलेगा। अदर देन ये आपको जरूर कहीं ना कहीं फील होगा कि रियर व्हील ड्राइव होता तो मजा आता। देखो, सारी चीजों में सब कुछ अच्छा नहीं मिल जाता, जैसे आप इस गाड़ी की बात करें भाई, रियर, मैं ये आपको मैं बता रहा हूँ ना, मैं 3 सीरीज ले सकता था, पर जो ये चीज इसने ये फ्रेमलेस ड्रोर लिया ना, ये इसी वजह से सिर्फ मैंने ये गाड़ी ली। मुझे लगा ये 1.5 करोड़ की गाड़ी है, और मैं लेने गया तो मैंने कंसीडर ही नहीं किया था इसको, बल्कि मैं ऑप्शंस में 330 कुछ करके एक है, उसको लॉन्ग व्हील करके आई थी, उस समय
तुरंत ही लॉन्च हुई थी, मैं उसको कंसीडर कर रहा था, पर उस मुझे लगा ये मेरे बजट में बाहर है, उन्होंने ये डोर खोल के रखा हुआ था अपने शोरूम पे कितनी महंगी गाड़ी है, इसका प्रीमियम डोर है, पर बजट में आ गई और हमने सेडान कभी लिया नहीं था, ले लिया पहली बार, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सेडान के साथ, और मैं अभी बहुत मजा आता है एसयूवी की, एसयूवी ड्राइव करने में उतना मजा नहीं है, भले आपका रोड प्रेजेंस और रोड जो ये आपकी सीट पोजीशनिंग है वो बहुत अच्छी होती है एसयूवी में, पर ये कंफर्ट ड्राइव के लिए सबसे बेस्ट गाड़ी है सेडान। आप लोग जैसे आप अभी कैसे 120 या 140 मान लो थोड़ा और ऊपर लेके जा रहे हो, तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी है? सिडान गाड़ियों की सबसे बड़ी बात, सबसे प्लस पॉइंट यही होता है स्टेबिलिटी, और बीएमडब्ल्यू अगर ऊपर से है आपके पास, बीएमडब्ल्यू या फिर कोई भी थोड़ी हाई एंड गाड़ी है, स्टेबिलिटी के मामले में तो आप, मैं बता रहा हूँ, मैंने गलती से मेरी 160 गई थी एक बार, गलती से चली गई थी, मैं थोड़ा सा फोन पे बात कर रहा था, ये टंग टंग बोल रही थी, सीट बेल्ट नहीं लगाया था मैंने, टंग टंग सीट बेल्ट के चक्कर में था, फिर मैंने सीट बेल्ट लगा लिया, फिर भी टंग टंग बोल रही थी, तो मैंने देखा स्पीड कितनी है यार, 160 स्पीड हो गई है, इतनी तगड़ी स्टेबिलिटी है कि मुझे पता ही नहीं चला 160 पहुंच गई गाड़ी। और ये किस रोड पे था? ये एक्सप्रेसवे था, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस। चलिए इस पे तो छोड़ दीजिए, इस पे अभी वो कटर नहीं लगे हैं स्पीड वाले कि 100 से ऊपर जाओगे चालान हो जाता है। आपने कभी आगरा वाले भगाया है? आगरा वाले भी भगाया है, जब वो स्पीड ट्रैकर आ जाते हैं तब मैंने ब्रेक मार दिया है पर भगाया तो उसपे भी है, उसपे भी गलती से ही भगा हुआ है कि गया फिर ऊपर टंग टंग करने लगा, फिर मतलब 120 तक तो चली ही जाती है, आप चाहे जो मर्जी कर लो, अगर आपका एक सेकंड के लिए भी ध्यान हटा 120 कब पहुंच जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। एक तो ऑटोमेटिक है तो और भाई गियर चेंज करनी नहीं है, अपने आप भागती रहती है, और इसका जो गियर शिफ्टिंग है ना, आप तो फील करोगे कि आपको गियर इसमें है ही नहीं, ऐसा इसका शिफ्टिंग है, मतलब आपको कितना भी आप एक्सेलरेट कर लो आपको एक लैग जो होता है ना वो नहीं, लैग जीरो, मतलब इतनी फ्लुएंटली गियर चेंज होते हैं ना, पता ही नहीं चलता कि कब गियर चेंज हो गया। मैंने कई बार तो जानबूझ के देखा, वो क्या कहते हैं आरपीएम को देख के मैं सोचता हूँ अब चेंज हुआ ऐसा करके। अभी गाड़ी चालू होके खड़ी थी, मेरा फ्रेंड कह रहा है भैया गाड़ी चालू हो गई है, अरे गाड़ी चालू है, पेट्रोल गाड़ी में तो क्या है, पेट्रोल डीजल होता थोड़ा आवाज, वाइब्रेशन वगैरह बढ़ जाती है। पेट्रोल लेने का ये भी एक रीजन था, पेट्रोल लेने का एक दूसरा रीजन सबसे बड़ा ये था कि पेट्रोल ही अवेलेबल थी। अच्छा, हाँ, पेट्रोल लेने का एक ये भी रीजन। भैया ने सारा कुछ बताया भाई, गाड़ी प्रीमियम गाड़ी है भैया, हर कोई अफोर्ड कर भी नहीं पाता, और भैया के पास बाकी और भी गाड़ियां हैं तो उनका भी भाई से बात करेंगे, रिव्यू करेंगे आगे चल के। तो भैया से पूछ लेते हैं, बाकी ओवरऑल गाड़ी आपको कैसी लगती है? ओवरऑल गाड़ी यार, मैंने मेरा मेन मोटिव यही था कि अगर मैं चलूं रोड पे तो मुझे लोग मेरी गाड़ी को देखें, मुझे तो क्या ही देखेंगे, मुझे तो जो जानता है वो जानते ही है, मेरी गाड़ी को देखें, क्योंकि इतने पैसे लगाए हैं तो गाड़ी नहीं देखा तो फिर फायदा क्या। और आजकल फॉर्च्यूनर तो ऐसे मतलब नॉर्मल बात है, कुछ भी जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके पास फॉर्च्यूनर है अगर आपके पास पैसे हैं तो फॉर्च्यूनर ना लेके आप ये गाड़ी लो, अगर आपका आप सेडान ले सकते हो। देखिए आपका अगर 50 से 60 लाख, ऑन रोड आपको कितनी पड़ी थी? 52 क्या? ये 52 की पड़ी थी। अगर आपका भाई 50 से थोड़ा सा ऊपर बजट है तो भाई एक बार कंसीडर जरूर करना। फीचर्स में आपको बता दिए सारा कुछ भैया ने, भाई क्या क्या अच्छा लगता है, वीडियो आप देख ही लेना। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टिल देन एंड बाय।